मैथमेटिक्स की दुनिया का जगमगाता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर। लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसी बातें, बस कोई प्रेरक बातें आज नहीं, ऊर्जा बढ़ाने की बात नहीं, आज मैं बहुत संवेदनशील होकर, मैं दिन भर सोच रहा था कि आखिर जो परिस्थितियां हैं उससे विद्यार्थी रूबरू हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ते सभी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा तो ज़रूर है, लेकिन अपने तरफ से प्रयास तो सब कर रहे हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा प्रयास तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खुश नसीबों की संख्या मुट्ठी भर हो जाता है जो फाइनली पास करते हैं। और इस जो महामंजर का समय है, मैं आज दिन भर सोच रहा था, इस महामंजर के समय में हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है, चाहे किसी भी व्यापार में हो, हर एक व्यक्ति दिवालिया होने के कगार पर है। आपने देखा है बड़ा बड़ा न्यूज आपने देखा है कि कॉफी कैफे का मालिक आत्महत्या कर लेता है, बिग बाजार बिक जाती है, ऐसे ढेरों उदाहरण कि आदमी रोड पर आ जाता है, लेकिन एक आदमी कम से कम अपेक्षाकृत जो सबसे कॉन्स्टेंट और स्टैटिक रहा वो है जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है। तो हमको आज बहुत ही ये सुकून मिला और ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट जॉब का इतना वेटेज क्यों है। कई बार लोगों को लगता है कि चलो प्राइवेट जॉब में कुछ भी कर लेंगे, चलो पढ़ाई तो कर रहे हैं, तैयारी तो एग्जाम का कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा, कोई भी प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कोई भी व्यापार कर लेंगे। लेकिन ये महामंजर, ये प्रकृति का प्रकोप, ये सोचने को मजबूर कर दिया। मैं दिन भर आज मंथन कर रहा था तो मैंने पाया कि गवर्नमेंट जॉब का इतना वैल्यू क्यों है। और देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि करीब तक सभी जाते हैं, अगर पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है तो कोई फेल 80 नंबर से 90 नंबर से नहीं करता, कोई 50 नंबर से फेल नहीं करता, कोई फेल करता है तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स, कोई 1 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स के अंदर में सब फेल करते हैं। और आप जानते हैं 5 से 10 नंबर नॉलेज से नहीं, सेट बनाने की कला, उस दिन आप कितना खुश है, दिमाग कितना कूल है, इन सारी बातों से 5-6 नंबर ये 10 नंबर आगे पीछे हो जाता है। 4 सेगमेंट है तो 5-10 नंबर तो अब कितना माइंड कूल है उस रोज, कितना दिमाग खुश है, तो इन सारी बातों से और सेट बनाने की जो कला है, इन सारी बातों से 10 नंबर आगे पीछे हो जाता है। यानी इससे जाहिर होता है ओनली नॉलेज, जो लोग पास नहीं किए हैं और पटना में या दिल्ली में बहुत दिनों तक रहने के बाद भी पास नहीं कर पाए, बाद में अपने जीवन को फेलियर जीवन बिता रहे हैं, यानी कि यूँ समझिए कि पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं, तो बस वो इसलिए जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं कि नॉलेज कम है, ये सब बातें नहीं है, बात है कि कला की। यानी कि आप अगर अकेले दौड़ते हैं 100 और साथ में 5-6 आदमी लेकर दौड़ते हैं 100, 5-6 लोगों को साथ में लेकर चलेंगे 100, दूसरी बात है किसी को पीठ पर अगर 10-20 केजी का वजन लोड कर दे और तब उसको दौड़ने के लिए बोले, तो यही मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लड़के हैं, उनका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो लड़की का, यानी पीठ पर वो 10-20 केजी का वजन लेकर हमेशा चल रहे हैं, तो वह ये कला को थोड़ा सा चूक जाते हैं, इसी में 5-10 नंबर कम होता है। यानी कि जो एग्रेसिव है, एग्रेसिव लोग भी माइंड से हैप्पी नहीं होते, कूल नहीं होते,
इन बातों से, यानी कहने का मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट यानी पास करने के लिए जो नॉलेज की मैनेजमेंट है, जो स्टडी मैनेजमेंट है, ये सब के बारे में सभी बात करता है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, स्व प्रबंधन के बारे में लोग कम बात करते हैं। और मेरा मानना है कि सेल्फ मैनेजमेंट पास करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। जो फेल हो रहे हैं ओनली सेल्फ मैनेजमेंट के, खुद को प्रबंधन नहीं कर पाने के वजह से, खुद को सही नेतृत्व नहीं दे पाने के वजह से वो फेल हो जाते हैं। नॉलेज या अपनी काबिलियत के वजह से फेल नहीं होता है, सेल्फ मैनेजमेंट के वजह से फेल होता है। अतः मैं आप सभी दोस्तों को ये आग्रह करता हूँ कि आप सेल्फ मैनेजमेंट करें, स्व का प्रबंधन करें। मेरे कहने का मतलब समझ गए होइएगा दोस्तों। आप पिछले, आप जो तैयारी कर रहे हैं तो क्लास वन से तैयारी कर रहे हैं, ये 15-16 वर्षों की त्याग अब जस्ट मंजिल पर आने वाला है, तो यहाँ से भटकाव मत करना मेरे दोस्त। पीठ पर 5-10 kg का वजन मत लो, साथ में 10 आदमी को लेकर मत चलो। आप जो रनिंग है उसमें विजेता नहीं बन पाओगे। आप में काबिलियत थी, आप में ताकत थी, लेकिन इन सारी बातों से आपकी काबिलियत, आपकी खूबसूरती प्रभावित हो गया और आप रिजल्ट से महरूम हो जाते हैं। मैं बहुत ही संवेदनशील बात, यानी कहने का मतलब है, जिस समय अगर पास करिएगा और अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि मैं फाइनली पास कर गया हूँ, इससे बड़ा कोई पल आपके जीवन में हो नहीं सकता है दोस्तों। इससे बड़ा कोई अभिमान की बात हो नहीं सकता। इस पल को अपने जीवन से जाने मत दो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये पल तुम्हारे हाथ में है। बस इन सब गलतियों से इसको हाथ से जाने मत दो। और राठौर क्लासेज बिल्कुल आपके साथ है। बस मैं अपने अनुभव को, और आज बहुत संवेदनशील होकर मैं सोच रहा था कि इतने लड़के हैं, सभी में पास करने की हुनर है, सभी में काबिलियत है, बस फेल करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट के वजह से, गुस्सा एग्रेसिवनेस के वजह से, इन सब बातों से फेल करते हैं। इसलिए बी कूल, सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, एवं जो पढ़ाई कर रहे हैं तभी पढ़ाई पर फोकस भी होगा, तो पढ़ाई पर जब फोकस होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो हमेशा एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जीवन में समय भी मिलता है और जीने के लिए पैसे भी मिलता है, और समय और पैसे दोनों जिसको मिले उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। प्रकृति की कोई भी आपदा आएगी उस समय आफत आपको नहीं होने वाला है, आप दिवालिया नहीं होने वाले हैं, आत्महत्या नहीं करने वाले हैं। अतः अपने हाथ से ये खूबसूरत पल मत जाने देना। आज इसी बातों के साथ में मैं विदा लेते हुए आप लोगों के समृद्ध और मंगल जीवन का कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कल मिलता हूँ।